हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो आज है 7 तारीख। आज मम्मी पापा की है आज एनिवर्सरी। सो रात को अभी बज रही है 12 और ये मैं 12 बजे की जो भी है मेरी तैयारी है मैं आपको दिखा दूँ। केक, कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पॉपकॉर्न। मम्मी पापा एक्चुअली रूम में, उन लोगों को पता ना चले, पॉपकॉर्न भूल रहा है। मम्मी के हाथ में मैंने खूब अच्छी सी मेहंदी लगा दी है। सो ये हम लोग की प्रिपरेशन चल रही है एनिवर्सरी की, और रात में होने वाली है पार्टी। हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं आज, और उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे फिर सो जाएंगे। सो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करें। सो ये सब ग्लासेस तैयार है। शानवी बेटा आओगी जरा दूध पोंछ के? आओ जरा हेल्प कराओ। ये हाँ चलो दोस्तों, ये शानवी, ये माँ के एनिवर्सरी की खुशी में शानवी ने भी मेहंदी लगवाया। और आज मैं पार्लर गई थी दोनों दोस्तों, हेयर स्पा लिया मैंने और फेशियल लिया है, और शानवी अब वीडियो बनाएगी। शानवी चलो गोल्डन डालना है, दिखा। दिख रही हूँ मैं? हाँ दिख रही है, दिख। और पीछे चले जाओ, पूरा दिख रहा है। हटो, अभी तो शानवी 12 बजने का टाइम है, तब तक चलो माँ की मेहंदी कंप्लीट कर लें उसके बाद। ठीक है, उसके बाद अभी क्या कितना बचा रहा है? तुम इतना जोर से बोल के मां सुन लेगी। अभी कितना बचा है? 10 मिनट्स है बस। 10 मिनट्स, 12 मेरे लिए है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए टेंशन है। ला कौन सा केक है? सो दोस्तों सारी तैयारियां हो चुकी है। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक, केक, पॉपकॉर्न। सो नहीं अभी नहीं, वही साथ आता है। सो एक्चुअली अभी ऑलमोस्ट कितने टाइम है? अभी 15 मिनट है अभी 12 बजने में। तो ये मैं लेके जाऊँगी सरप्राइज 12 बजे, तब तक मम्मी की थोड़ी सी मेहंदी बची है उसको मैं फिनिश कर लेती हूँ दोस्तों, और उसके बाद ये सरप्राइज लेके जाएंगे, फिर एनिवर्सरी मनाएंगे हम लोग, मज़ा आएगा बहुत आज। ठीक है दोस्तों, तो चलती हूँ। और हाँ सॉरी, मम्मी पापा को वीडियो में नहीं ले पाऊँगी, उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। और बट आई विल प्रॉमिस यू कि जैसे ही वो लोग अलाउ करेंगे मैं उन लोग को वीडियो में ज़रूर लाऊंगी, अभी वो लोग नहीं आएंगे, सॉरी। सो मैं जल्दी से जाती हूँ मम्मी की मेहंदी कंप्लीट करती हूँ, और फिर ये लेके सरप्राइज उन लोग के लिए जाती हूँ, देखती हूँ उन लोग का रिएक्शन कैसा होता है। और हाँ, वो जो मैंने उन लोग को गिफ्ट दिया था ड्रेस, कल वो लोग वही पहनने वाले हैं, उन लोगों को बहुत पसंद है। मम्मी को खासकर वो ड्रेस बहुत पसंद आई, कलर बहुत पसंद आया, पापा को भी शर्ट बहुत पसंद आई, तो कल वो लोग वही पहनेंगे अपनी एनिवर्सरी में। मैं पिक कोशिश करूँगी पिक शेयर करने की। ओके दोस्तों, तो चलते हैं मम्मी की मेहंदी कंप्लीट करने, तब तक 12 बजेगा फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। सो 12 बजते ही हम और शानवी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न एंड पेस्ट्री लेके पहुंच गए मम्मी पापा के रूम में। और फिर देखिए कैसे पेस्ट्री पापा से पेस्ट्री को ऐसा केक कटवाया, और उसके बाद हम लोग जितना कर सकते थे रात में तो हमने उतना किया और इन्जॉय किया। और शानवी बड़ी खुश थी, शानवी का कहना था मम्मा ये छोटी एनिवर्सरी है और कल हम लोग बड़ी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। सो दोस्तों ये छोटा सा सरप्राइज़ था हम लोग की तरफ से मम्मी पापा को। मम्मी पापा मम्मी तो मेहंदी लगवा रही थी, पापा तो बिल्कुल सो चुके थे। और ये देखिए कैसे ये लोग सब लोग खा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। और इसके बाद ये रात का सेलिब्रेशन है, इसके बाद का जो वीडियो देखेंगे आप वो मॉर्निंग का, इवनिंग का सेलिब्रेशन है। नहीं चाकू से खिलाना चाहिए, अरे कल वो नंबर हाथ से सोना भाई, तो ना इसराइली मम्मी तो बढ़िया खाता है, एकदम जीभ निकाल ली। दादू जादू लगाओ, अब अगर लगा रहे हो कैसे मत पूछाई, पापा पूछेंगे फिर मां से। टकलाप लगाओ बेटा, टकलाप लगा दो। नहीं नहीं बेटा, तू तो इधर पापा टकाई। लेकिन मम्मी एक बात है, आप सबसे अच्छी मैक्सिम लग रही हैं आज, मस्त लग रही हैं, एकदम दुबली पतली जी, अच्छी लग रही ना मम्मी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी और पापा, एनिवर्सरी मम्मी पापा। मम्मी आइए बैठिए, पापा खाइए कोल्ड ड्रिंक कीजिए। मम्मी आइए इधर आइए, कैमरे के सामने आइए, इतनी अच्छी लग रही है आप आज, एकदम स्मार्ट लग रही है। ये हीरोइन कैमरे में भागते हुए इसको कैमरे बंद कर दीजिए मम्मी, मैं अच्छा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मत मत बनाई मम्मी और पापा का अच्छा से फोटो लेना। सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हो गई हूँ पसीना पसीना, और इस समय मैं एसी का, क्योंकि आज ही मम्मी पापा की एनिवर्सरी, और अभी तो
खाना बन रहा है। एक्चुअली कुछ लोगों को इनवाइट किया गया है एनिवर्सरी पे, तो लोग आने वाले खाना खाने, तो खाना मैंने तैयार कर दिया है ऑलमोस्ट, बस पूड़ी बनानी, पूड़ी छानी बाकी है। इसके बाद हम और मम्मी और पापा सब लोग होंगे रेडी, फिर होगी केक कटिंग, उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो एनिवर्सरी की पूरी प्रिपरेशन हो रही है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को किचन में ले चलती हूँ, बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है एनिवर्सरी में। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ किचन में दोस्तों। आइए आइए, रिप्लाई कर दिया। ये देखिए दोस्तों मैंने क्या बनाया है। हाँ, पनीर, ये पुलाव, आप ही कुकर क्यों रखी है मम्मी? कुकर में बना रही हैं क्या सब्जी? मैं अभी फिलहाल ऊपर ही रह रही हूँ, खाना वाना सब तैयार हो गया है। नीचे का घर देख सकते हैं इतना फैला हुआ है सब, क्यों? क्योंकि मैं 2-3 दिन से थोड़ा बिजी हूँ, ऊपर ही रह रही हूँ। और हाँ, शानवी तैयार हो गई है एनिवर्सरी के लिए। आप लोगों को शानवी को देखना है, शानवी कैसी लग रही है। मैं तो अभी रेडी नहीं हुई दोस्तों, अभी रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि खाना तैयार हो गया, कुछ करना नहीं है, पूड़ी सिर्फ तलना है। तो मैं दीदी को मैंने कह दिया, जो आती है काम करने के लिए, उनको बोल दिया वो पूड़ी तल देंगी, बाकी मैंने सब कर लिया। पूड़ी तलने से मुझे थोड़ा डर भी लगता है, बहुत जल्दी मैं जल जाती हूँ ऑयल के छींटों से। तो शानवी को मैं दिखा देती हूँ दोस्तों, आपकी शानवी कैसे लग रही है। और मैं, रही बात मेरी, मैं जब रेडी हो जाऊंगी तो मैं खुद को भी दिखा दूंगी, कोशिश करूंगी मम्मी पापा को भी लेके आने के लिए ब्लॉग में। आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हाँ उनका लुक तो देखूंगी, लुक तो उन लोग को दिखाऊंगी। और जो ड्रेस वो लोग पहनेंगे वो मेरा गिफ्ट दिया हुआ है, तो आप लोग बताएंगे मेरे गिफ्ट कैसे लग रहे हैं पापा। शानवी कम यार, आ जल्दी दिखाओ दोस्तों को। हारने में देखिए बिजी हैं, शीशे में वो अपने ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा पा रही। ये देखिए शानवी को, अरे बस बस बस, आईज देख, मैं भी देख रही हूं आपको, इसमें भी देख रहे हैं। हां हां घूमो। सो ये शानवी का फ्रॉक है, और ये शानवी का हेयर बैंड, और ये है मेरी प्रिंसेस। पूछो मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, बोलो दोस्तों में कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताइए। दोस्तों में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइए। लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलिए मेरे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने है, बोलो। चलिए मेरे साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। तो फ्रेंड्स अब चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ क्या क्या हो चुका है, और फिर आने के बाद अब रेडी होंगे जल्दी से। पहले मम्मी को रेडी कर दूँ, फिर मैं रेडी होंगी। और अभी तो कुछ डिसाइडेड है नहीं कि मैं पहनूंगी क्या, लेट्स सी कि मैं क्या पहनती हूँ और कैसे तैयार होता है। अभी मुझे कान में पहनना, गले में पहनना, कुछ नहीं पहना है मैंने, और जल्दी से मैं पहन लेती हूँ दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। सो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं हो चुकी हूँ रेडी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। आज मैंने पूरा भर के सिंदूर लगाया है क्योंकि घर से कुछ लोग आ रहे हैं घर से ही, तो आज थोड़ा सा दुल्हन की तरह सजना पड़ेगा ना दोस्तों मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार वैर हुई हूँ। चूड़ी भी दोनों हाथ में पहन ली है, लोग चूड़ी भी बड़ी ये सब बहुत देखते हैं ना, पहनना पड़ता है, क्या करें। और मतलब जो जो आज जो जो नहीं करती थी दोस्तों आज सब किया मैंने। देखिए पूरा मांग भर के सिंदूर लगाया है, बिंदी लगाई है, ये है, तो ये सब आज किया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ रेडी होके ऊपर मम्मी को दिखाने की, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, लेट्स सी कि मम्मी को मैं अच्छी लग रही हूँ दोस्तों की नहीं लग रही हूँ। और ये देखिए पसीना जल्दी से जा रही हूँ एसी में बैठ के, और अपना मेकअप थोड़ा सा सही कर रहे। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, आज एनिवर्सरी के लिए अच्छी तैयार हुई हूँ ना। तो दोस्तों मैं रेडी हूँ, जल्दी से मैं भागती हूँ ऊपर, हाँ, और देखती हूँ मम्मी क्या पहन रही हैं, जो मैंने दिया वही पहन रही हैं कि नहीं। अरे बाप रे दोस्तों मैं ऊपर आई हूँ एसी का हवा लेने, बट एसी तो चली नहीं रही है। क्या दे रही, रुक जाओ मैं बाल में लगाने के लिए ली बेटा, एसी तो चली नहीं रही है यहाँ तो, और की ज़्यादा गर्मी है, देखिए पसीना मेरा पूरा मेकअप धुल ना जाए। आई थी एसी का यहाँ ठंडक लेने, बट एसी तो चली नहीं रही दोस्तों। वैसे मैं लग कैसी रही हूँ कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग। अच्छी लग रही हो ना, अच्छी लगती है ना, तैयार व्यार हो गया, बड़ी अच्छी लगती हूँ मेरे को, खुद में अच्छी लगती हूँ, तो आप लोगों को तो अच्छी लगनी चाहिए भाई, मैं खुद में बहुत अच्छी लगती हूँ, मैं खुद की फेवरेट हूँ। कोई बात नहीं, गर्मी है ना इसलिए मिट गया, अभी फिर लगा दूंगी, अभी फिर लगा दूंगी। मम्मी गई है नहाने, और मम्मी वही ड्रेस पहन रही है जो मैंने मम्मी को दिया था। अरे मैं और मम्मी तो मैच करेंगे, हम दोनों आज मैच करेंगे, ये देखिए। और आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी अपनी सासू माँ को और ससुर जी को, चुपके से उनको ना पता चले, धीरे से उनका वीडियो लूँगी और अपलोड कर दूँगी। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने आपको जब वीडियो में देखेंगे खुशी होंगे, ऐसे बड़ा गुस्सा आता है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना गुस्सा आएंगे, मुझे नहीं लगता दोस्तों, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। सो मम्मी कहीं अभी नहाइए क्या, अच्छी लग रही हूँ, आप भी थोड़ा सा मेकअप वकअप करके लिपस्टिक उपस्टिक लगा के सुंदर सा तैयार हुई, अच्छी तो लग रही है। वो पहन लेती है। सो मैं तो गर्मी से एकदम पसीना पसीना हो गई हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाती हूँ कि तैयारी क्या क्या हुई है अभी। आइए
ये देखिए केक तैयार हो गया है, ये आरती की थाली, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, अभी और एक कोल्ड ड्रिंक, अभी ये फिलहाल अभी के लिए हुआ है। फ्रेंड्स खाना बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और मम्मी आइए थोड़ा, नहीं पक्का, अच्छा ठीक है अब घूंघट में आएंगे जाने में। सो ये मिली है मेरी सासू माँ से, आप लोग शादी पापा का डांस करिए। दोस्तों सब लोग खाना वाना खा के जा चुके हैं और मेरे हाथ के खाने की बहुत तारीफ हुई, सब लोग को टेस्टी लगा खाना। और मेरी नंद आई थी आज, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया, तो उन्होंने नेग में मुझे 500 रुपीज़ भी दिए। और आई एम सो हैप्पी हैप्पी कि बच्चे बड़े सब लोग मेरे खाने की बहुत तारीफ किया। सब लोग जा चुके हैं और ये देखिए आप जा चुके, मैंने चेंज भी कर दिया है और ये देख सकते हैं, ये मैंने अभी अब अपना खाना निकाल रही हूँ। अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, 12 बज रहे हैं, तो रात के 12 बजे मैं जा रही हूँ खाना खाने। सब लोग खा लिए, तारीफ भी किए, बहुत अच्छा लगता है जब कोई तारीफ़ करता है। सो दोस्तों अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। और हाँ आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये था मेरे मम्मी पापा के एनिवर्सरी ब्लॉग। आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा। और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विजय शांति त्रिपाठी ब्लॉग्स। खूब सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए मेरे वीडियोज़ को दोस्तों। तो मिलते हैं कल अब एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय दोस्तों। मैं जल्दी से अपना खाना खा लूँ, भूख लग गई है, बाय दोस्तों। ये दूसरा केक कटने जा रहा है और इसको काटेंगे शान्वी त्रिपाठी। ओ तो ये आप सरप्राइज लाए थे, आपने बताया नहीं। सुनिए ये केक आप सरप्राइज अभी ऑर्डर करके मंगाए क्या? हाँ। ये सर ने रात को 10 बजे ऑर्डर करके मम्मी के लिए स्पेशल केक शान्वी की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी के लिए इसमें शान्वी ने लिखवाया है माँ दादू। वाह शान्वी, दिस इज अ स्पेशल केक मम्मी के लिए और पापा के लिए। वही केक है जाना पहचाना? हाँ हाँ पापा को उसी ने बहुत ज्यादा पसंद आया था।